हेलो यूट्यूब जनता, स्वागत है आप लोगों का हमारे एलन रिंग के 14th एपिसोड में। तो पिछले बार हमने स्टॉर्म हिल के साइड का एरिया का डिस्कवर कर लिया। अभी हम ये ब्रिज से नीचे के साइड जाएंगे और ये जो मैं मार्कर लगा रहा हूँ वो एक्सप्लोर करेंगे। और अभी मैं वो आपको याद होगा हमने कैटाकॉम्स भी देखा था, मैं उसके ग्रेस पे हूँ। वो मैंने अब तक क्लियर नहीं किया, वो हम बाद में करेंगे। पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहले सर्च कर लेंगे सारे, कौन से है, किधर किधर, और फिर उसके बाद में जो मेन मेन जैसे कैटाकॉम्ब्स केव्स वो वाले एरिया करेंगे। तो एपिसोड भी ज़रा अच्छे लगेंगे देखने के हिसाब से, ज़रा एक्सप्लोरेशन के एपिसोड से। यहाँ पर क्या है वैसे, पंच वंच बैठे बेंचो, वो जायंट्स मारे पड़े हैं, लाशें बिखरी है, खाली एरिया है काफ़ी वैसे। मौत त्याग गया तुम, उसके उसके सिवा कुछ दिखा नहीं मेरे को। यहाँ पे एक मार्कर है, वहाँ पे एक मार्कर है, ठीक है। यहाँ उसके आगे भी कुछ नहीं है, वो ब्रिज जो हमको मैप में दिख रहा था ऊपर के साइड। फिर पंछी बैठे हैं, दो कपल लेफ्ट साइड में इंजॉय कर रहे हैं, अच्छी हवा चल रही है। सोच रहा हूँ जाऊँ तलवार लेके एक आधे कपल को मार दूँ, छोड़ो अच्छा नहीं लगेगा। वो अपना हॉलीडे इंजॉय कर रहे हैं बेचारे। व्यू कंट्रोल्स मार्कर कैटाकॉम्ब कौन सा दिया, फाइटिंग वाला देते उसको, यहाँ पे बाद में आकर फाइट करना है। जैसे कि यहाँ से ऊपर क्या है सर, का एरिया मैंने एक्सप्लोर नहीं किया क्या? फ्रेंड अहेड लाइकली अप। ओह अच्छा, जार ब्रो है ये। अच्छा सर, इसको तो ट्रेलर में देखा था। कैन यू हियर मी, हेल्प मी, हेल्प मी, आई एम स्टक। ओह माय स्टार्स, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। आई एम Alexander, also known as the Iron Fist, and as you can see, I'm stuck. Please. मर तो ऐसे कैसे अटका भाई? बाकी सब ठीक है, तो ऐसे कैसे अटका? मैंने लोगों को वॉशिंग मशीन में अटकते देखा है, मैंने लोगों को सोफे के सोफे में हाथ अटकते देखा है। छोड़ दो, इग्नोर करो, मैं नहीं बोला। ऐसी चीजें नहीं देखता हूँ। एक जोर से स्मैक दूंगा देखो मैं। आ हा हा हा, मैंने सोचा था कि मैं कभी गांड पे जोर से पटका मारूंगा किसी के, पर सोचा नहीं था कि वो कोई जार होगा भेंचूत। Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you, and as a token of my appreciation, I'd like you to have this. Exalted fish. Once again, pleasure is mine. I am the warrior jar known as Alexander. Iron fist. Alexander naam hai iska warrior ka. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted, Caelid wilds. And upon their southern edge is Redmane Castle, in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? I'm heading eastward to Redmane Castle, on the southern edge of the scarlet, rot-blighted, Caelid wilds. I've heard there's to be a... अच्छा जी, कोई फेस्टिवल हो रहा है, हमको नहीं बुलाया। तो ये ईस्ट है, ईस्ट में सदन, तो इस एरिया में कहीं जाएगा वो। ओके ठीक है भाई, मैं आ जाऊँगा फेस्टिवल में, और थोड़ा सा लेट आऊँगा मैं, कि मैं एक बार जा चुका हूँ, मैं केलिड गान पढ़ दी लोगों ने मेरी ओम में, फटवी गांड लेके वापस आया हूँ मैं, क्या बताऊँ। देखो अलेक्जेंडर, घोड़े को बुलाओ जी,
ग्रेस पे बैठो, रेस्ट किया। लॉस्ट ग्रेस हैज बीन डिस्कवर्ड। क्या है वैसे यहाँ पे? ये अच्छा, ये ब्रिज। अच्छा, ब्रिज के नीचे भी कुछ एरिया है। ओके, मैं सोच तो रहा था कि वो कैटाकॉम्स, मतलब जो पानी के थ्रू कैटाकॉम्स कनेक्ट हुआ ना, उसमें गए थे, उसके ऊपर भी पानी का एरिया था, वहाँ कैसे जाना है? शायद से यहाँ से इस ब्रिज पर जम कर सकते शायद से। यहाँ पे तो ये घूम रहा है। ओए पम्पकिन हेड, खुद का सर क्यों फूट रहा है? हेड, अच्छा पम्पकिन हेड, गिव मी हेड, मतलब इस पे सर पटक। भाई पता नहीं भाई, अचानक से हर मतलब गलत मतलब हो रहा है। ओए डॉच कर दिया बे साले, जब मैंने बोला था गिव मी योर हेड उसका मतलब ये नहीं था। मैंने सोचा था तूने गलत मतलब निकाला होगा, तूने तो और भी गलत मतलब निकाला भाई। ए भाई मैं तो दूर था ना। उधर क्या है? उधर वाला फोड़ना है क्या फिर? अबे यार ये फूटने वाले दिख रहे नहीं है वैसे। ये मेरे को ऐसा लग रहा है ये जो ऊपर वाले जो स्टैचू है ना, जो आधे टूटे है, ये उसका उसका ही पार्ट है। ये कोई वो सोल आइटम बोल रहा हूँ, अपग्रेड आइटम वाले स्टैचू नहीं है साले। पर इसके और इसको राइट रोल कर रहा हूँ ना मैं, तो घूम के मेरे को सर मार रहा है। तो बैक स्टेप करना पड़ेगा, फिर बैक साइड में रोल करना पड़ेगा, वो ज़्यादा वायबल ऑप्शन रहेगा। स्मिथिंग स्टोन वन, ठीक है। नहीं नहीं, एक काम कर, ऊपर एक्स से ऊपर चढ़ जाता हूँ, फिर घोड़े को बुलाता हूँ, तो घोड़ा ज़्यादा ऊपर अलग ही जंप ले लेगा। अरे 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 लग जा एयर, लग जा। बच गया भाई, गांठ फट्टी में कूदा मैं। ऐसा लगा कि वो एयर लगी ही नहीं, क्योंकि वो एनिमेशन दिख नहीं रहा था ना घोड़े के पैरों के नज़दीक। मेरे को लगा वही हो गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय। ऑक्टोपस कहाँ घूम रहा है? पानी दिखाने के लिए ऑक्टोपस। अरे यहाँ पे केव है। ओ भाई साहब क्या बात है, हाई रोड केव। अभी खाली मार्क करके रखता हूँ यार इसको, हाई रोड केव को। अच्छा यहाँ से नहीं आना, फिर कहाँ से आना है? अभी खाली मार्क करके रखता हूँ, पहले बाकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर लेंगे हम लोग, क्या है क्या नहीं है आसपास देख के आ जाएंगे भाई लोग। फिर उसके बाद में सारे केव्स करेंगे, कैटाकॉम्स करेंगे, सबका आनंद लेंगे भाई, क्योंकि मज़ा एक में नहीं हर एक में है। पता नहीं क्यों बोला, इग्नोर करो भाई, कुछ ना कुछ बोलना था, मैंने बकबक कर दी। ऊपर चढ़ गया यहाँ पर, फिर भी नहीं, बस मौत है यहाँ पे और तो कुछ नहीं है। बिहोल्ड पिकल, इधर भाई आचार, आचार के आगे विचार नहीं आ रहा है। उधर आग लगी, मतलब जब तुम लोग मेरे सामने आ रहे थे तो मैं क्या सोचा था तुम लोग क्या कर लो? हाँ 2700 टाइम में गांठी फट जाती है, उनके इनसाइड्स उनका सबसे वीकेस्ट एरिया है, यू नो इनसाइड्स। गेम जो कमेंट्री कर रहा हूँ, मतलब गेम खेल रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि फोन अप देख के आया हूँ। ऐसे ऐसी बातें नहीं बोलनी, कुनाल याद रखते हो, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करना है, वन अप पे नहीं।
सिक्योरिटी कर रहा था बेचारा, सिक्योरिटी करते करते मर गया। सोचा भी नहीं होगा उसने कि ऐसा अंत होगा उसका। ठंडी तो यहाँ पे भी पड़ रही है भाई, सिक्योरिटी तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा थोड़े दिनों में ऐसा लग रहा है। फ्रीनस लिली और क्या है भाई लोग यहाँ पे, बस ये अधेड़े ऑक्टोपस और तो कुछ नहीं है। जाके देख लेते एक बार कुछ है क्या, और दिख तो और कुछ नहीं रहा वैसे। हेल्प मी आई एम स्टक, लाइकली नॉट हियर। हाँ भाई मैं एल्डन रिंग ही ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। मैंने बताया ना ये वो एरिया है जो कैटाकॉम्स किया था हमने क्लियर, उसके ऊपर है अभी हम। अच्छा तो यहाँ से भी एंट्रेंस थी उसको, ओके यहाँ से भी सीधा आता तो एंट्रेंस थी इसको, ओके ओके तो ज़रूरी नहीं था कि कूदना पड़ेगा, वहाँ से भी एंट्रेंस थी। ये देखो मैं इस आर्मर की बात कर रहा था, ब्लाइड के, अभी सेक्सी आर्मर यार, हमारा सेक्सी बॉय का सेक्सी आर्मर है। चलो अब इस बार ब्रिज क्रॉस करेंगे, वो साइड जाएंगे। अब यहाँ से क्रॉस करके ये देखो ये और ये करके दिखाओ तुम, ये करके दिखाओ। ओ क्या बजा रहा है यार ये, रुक के सुनते हैं भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो भाई कोई बात नहीं यार, क्या गाना बजा रहा था, पहले होनी चाहिए यार जिसने भी ये एक्चुअल में बजाया ना, तो उन्होंने एनिमेशन करके कैरेक्टर भी दे दिया, और भाई जिसने भी एक्चुअल में बजाया बढ़िया बजाया यार। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ यार इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का, मतलब मैं ऐसा फॉलो नहीं करता मगर मुझे पसंद काफ़ी आता है। अगर आपने सुना होगा तो मास्टरपीस ये भी था Ghost of Tsushima की एंडिंग, जब क्रेडिट्स रोल होते हैं उसके बाद क्लास एंडिंग के बाद में जो गाना था भाई प्यार है, वही गाना प्यार है वो। उसके बाद में फिर अपना ये वाला फाइनल फैंटेसी 16 के एंडिंग वाला गाना भाई मज़ा आ गया था उसमें। ऐसा बजा रहा है, प्यारी ट्यून बजा रहा है यार। ओ, तो भालू है भाई, भालू के बच्चे घूम रहे हो। बेटा लोग बाप किधर है तुम्हारा? नहीं नहीं कुछ नहीं करना, उसका मर्डर करना है उसमें, सोल्स काफी ड्रॉप करता है ना। ओ अच्छा ये सुबह के टाइम दिख के नहीं आते, अर्थ ट्री के लीव्स फॉल हो रहे हैं ना, उड़ के आ रहे, इसलिए इतना ब्यूटीफुल लग रहा है रात के टाइम। सेक्सी है भाई, सेक्सी है, कितना सुंदर यार ये गेम। ओहो आर्ट डायरेक्शन भाई, प्यारी आर्ट डायरेक्शन है, मतलब मज़ा ही आ गया गेम खेल के, क्या ही बोले। ओह ग्रेस, ओ माय ग्रेस, Let me rest upon you. पानी में दिखा है बॉस फाइट वगैरह जैसे दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ जाके आया तो कुछ है क्या यहाँ पे, देख लेगा उसको, बॉस फाइट करेंगे जाके भाई, बॉस की चड्डी फाड़ेंगे।
जी फाड़ेंगे उसे, जी जी से जिया जिया फाड़ देंगे उसको। कैटाकॉम्ब्स ये कौन है? Why is it always death? हाँ यार कौन मारा है उसे, वो तो समझ में नहीं आ रहा मारा कौन है। मर तो गया ठीक है, कौन मारा भाई, कौन है तू? अबे मुर्दे बाहर आ रहे भाई, हमारे में एक बोलते हैं गड़े मुर्दे को बाहर मत निकालो, भाई तुम अंदर चले जाओ वापस, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुमसे बात करने में। अब चलते हैं बॉस फाइट करते, ऐसे मुर्दे मुर्दे उससे तो फाइट करके कुछ फायदा नहीं था, मिलने आउटपुट नहीं कुछ नहीं था, आउटपुट बोल रहा आउटकम कुछ नहीं था उस बैटल का। It was just a waste of my precious time, you know. Time. Summon water village. So water summon कर दे। हमको भी सिखाओ भाई summoning water jutsu. Jutsu. Church. भाई मैं को निकलना पड़ेगा। Church वाले सुनते नहीं आते। ये क्या मजा, चर्च के अंदर से मुर्दे की उठ रहे, मारो साले को। चिबिया मरीनर, अच्छा ये मरीनर है, उसने आपको अपने को ये दिया था ना, वार्निंग दिया था ना कि मरीनर से फाइट मत लो बोलते। साले आया मरीनर, वो नीला वाला मरीनर नहीं देखा, बोट वाला, क्योंकि वही बोट पे बैठा है भाई। तो बोट चला कैसे रहा है, वो बात बता सबसे पहले, मैं पानी इतना सा है बोट कैसे चला रहा है, मेरा बंदा स्लो नहीं हो रहा, पानी की क्वांटिटी इतनी कर। ओके ये भी अनलॉक होता है, चार्ज अटैक से। ओए ओए ये सब क्या कर रहे हैं, अरे माधुर तो मर जाएगा एक बार हील कर लेता हूँ साले, ये ले चार्ज अटैक। अरे इसके मार फिर से टूट गया, किधर गया ये साडे, किधर गया तू? वो उधर देखा, चलो आया मैं, रुक मरीनर सीबीया मरीनर तेरी मौत है, मैं आ रही है तेरे पीछे भागते भागते तेरे से मिलने के लिए। ये देखो छूटे, खुद बंदे जिंदा कर रहे हो और मैं खुद ही मार दे रहा हूँ, क्या मरीनर बनेगा रे टिबिया, क्या मरीनर चल सो जा, सोने का टाइम हो गया तेरा। डेथ रूट ओके, स्केलेट ओ स्केलेटल मिलिटन एशेस, अच्छा ये भी वैसे रहेगा क्या स्केलेटन्स केस है, मरने का तो आप जिंदा होंगे अनलेस अगर आप उसको सेकंड फटका ना मारो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग यार, है अच्छा एक्सप्लोडिंग फायर बॉम्ब्स है, होली वाटर पॉट। अरे हाँ ये तो रिप्लेनिश भी होते हैं ना, ये तो एक बार क्राफ्ट कर लो एक बार में रिप्लेनिश हो जाते हैं वापस, वही वाले ही है ये, बस करेक्ट पॉट्स जमा करने, उसका मटेरियल वैसा है कि वो रेस्टिंग के बाद में वापस रिप्लेनिश हो जाते हैं, ऐसे डिस्क्रिप्शन तो था उसका, याद आ रहा है मेरे को पढ़ना। ओहो राम जी जोड़ी क्या बनाई जी, क्या है कुछ लूट वूट नहीं गया यहाँ पे? यहाँ कुछ और है, टर्टल्स टर्टल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सेमिन यू स्टोन स्वॉर्ड की आई एम सॉरी
की तो डाल ली। चलो अब इनको मारते हैं। कछुओ, ओ मेरे कछुओ। टर्टल नेक मीट, उसकी गर्दन भी काट के खा जाओ यार। कैसी बातें कर रहे हो यार। चार्ज अटैक पहन के लोड़े। ओ ये क्यों नहीं मारा फिर? चार्ज अटैक, वो तो मर गया। कछुओं की क्वालिटी वालिटी को जाती है क्या? वो हाई क्वालिटी का कछुआ था सर, ये सबसे हाई क्वालिटी का कट खेल गया इसको। 52 473, ओके मर गया। ऑलमोस्ट 452 के अराउंड हेल्थ। थैंक यू। छोड़ो यार, बख्श दो इनको, बचे हुए को। एक इधर वैसे ट्रैप है क्या? नहीं। ग्रीन टर्टल टैलिस्मैन, ये क्या काम का है? बोले रेजर स्टैमिना रिकवरी स्पीड। ओह फक, इंस्टेंटली स्वैप, इंस्टेंटली स्वैप। फक, ये तो चाहिए था यार, ये वाला तो चाहिए था। एक शील्ड भी दे दो, ग्रास क्रश शील्ड, वो भी लगा के घूमेंगे। शील्ड का वैसे ज़्यादा इस्तेमाल तो हो नहीं रहा, वो शील्ड देखना पड़ेगा। हर गेम में ऐसे कोई ना कोई स्पेशल शील्ड तो होती है इनके, जैसे डीमन सोल्स में वो वाली थी, एजिटेटर्स नाम याद नहीं आ रहा ठीक से। मैं वो वाली ज़्यादा यूज़ करता था क्योंकि उस पर हर सेकेंड कुछ 5 या 6 से कुछ हेल्थ बढ़ती थी। 2 या 5 ऐसा कुछ तो था शायद से, स्टार्टिंग में 2 या 3 था, बाद में फिर जैसे जैसे आप शील्ड अपग्रेड करोगे वैसे वैसे उसका हीलिंग करने की कैपेबिलिटी भी इंक्रीज होती थी, ऐसा उससे था उसका। ये तो मैंने एक्सप्लोर कर लिया, अब वो देखते हैं यहाँ पे क्या है। खाली कुछ नहीं, खाली बंजर जमीन है बस। कपल में से एक तोड़ा दिया मैंने वहाँ से। अच्छा यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा ना, लेफ्ट साइड डिस्कवर कर लेते हैं पहले। यहाँ से नीचे जाना है, ओके। यहाँ पे क्या है? कुछ है देखने जैसा? ये बकरे चल रहे हैं बस घास के अंदर, और तो कुछ दिख नहीं रहा। ओ एक और वो लोअर पॉइंट नहीं यार, ये तो अलग था कुछ, मतलब ऐसा वो मैंने वही देखा बस, ऐसा लगा जैसे लकड़ी जमी हुई थी ना, मेरे को लगा वापस से वही है वो, जैसे स्वॉर्ड लगाए हुए थे उसमें। गॉडरिक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि गॉडरिक घुटने ने टेक के रोते रोते माफी मांग रहा था मेलेनिया की, कि मेरे को बकश दे ठाकुरी, मेरे को बकश दे। अरे बकश ही दिया होगा क्योंकि अभी भी बहुत फट है गॉडरिक से। मिशनरीज कुक बुक, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, चर्च खा लेता। चर्च को आग क्यों लगी हुई थी वैसे? अरे ब्लड स्टेन क्यों है? कौन से चूतिया मर गया यहाँ पे? और किससे मारा? सबसे बड़ी बात तो ये है। अरे यार ये स्वॉर्ड इज है यार, इन्वेडेड बाय एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया, अच्छा इससे मरे लोग यहाँ पे। अरे किस्मत गांड हुई इसकी। मैं ऊपर से कूद के चले गया और उसको बैक स्टेप बैठ गया। अरे गांडू की सब देखते। अब वो गोली ये ले, एक और ले, अरे बच गई, एक और ले बैक से। ओ गई गई है, स्वॉर्ड दे दे मेरे को, स्वॉर्ड दे दे मेरे को, वो क्या नाम था इचिगो के स्वॉर्ड को, जानगेत्सु, उसकी बानकाई चाहिए मेरे को। बानकाई लेके घूम रही है सारी तो। मैं भी ऐसे खड़े खड़े गेंद चुका नहीं छोड़ूंगा। लॉर्ड गॉडफ्री एट लास्ट एट द एंड ऑफ हिज कैंपेन हिज गोल्डन आर्मी अनवैनक्विश्ड एंड अनबाउड येट फाइंड्स ग्रेस लॉस्ट टैटर्ड एंड फेटेड फेटेड सॉरी गॉडफ्री द गोल्डन गॉडफ्री को बोलते तो गोल्डन या गॉडरिक को बोलते याद नहीं आ रहा मेरे को, सुना तो है मैंने शायद गॉडरिक को बोलते। गॉडफ्री तो बहुत दशक हुआ अपना, ट्रेलर में बताया था उसको, ट्रेलर में सबको बताया था। और गॉडफ्रे वो वाइट वाइट वाला था,
फिर बॉर्डर के बाल भी तो वाइट ही थे, बाप भी तो आखिर था उसका आखिर में। हाँ जिसकी उम्र ज़्यादा थी, पता नहीं भाई ह्यूमन डिस्क्रिप्शन देना मेरे लिए ज़्यादा ही मुश्किल चीज़ है। रिपोज दे दो इसको, बैक करियर खत्म होने वाला, एक और फटका, एक और फटका, करियर खत्म। बिल्कुल बॉलीवुड का अर्जित कपूर, करियर चालू होने के पहले खत्म हो गया जरा। कुछ कुछ पिक्चरों में अर्जुन कपूर ने अच्छा काम किया। मेरी सबसे फेवरेट पिक्चर अर्जुन कपूर की ये थी अंधाधुन, क्योंकि उसमें उसने काम नहीं किया था ना, तो सबसे फेवरेट पिक्चर वही थी मेरी उसकी। लॉजिक तो सही था यार, मतलब वही सबसे फेवरेट थी मेरी अर्जुन कपूर की मूवी। और सेक्रेट ब्लेड, ओहो ओहो मजा आएगा सुनने में। होली ब्लेड अहेड, ठीक है, ये तो एक्सप्लोर कर लिया अब मैंने, ऑलमोस्ट सारा ये वाला रीजन एक्सप्लोर कर लिया मैंने, छोड़ा तो कुछ नहीं है। क्या बच गया अब, स्मॉल ड्रिंक चर्च से वापस आता हूँ रिपीट नीचे। हाँ मैं नॉर्मल वे से है ना काम करता हूँ, इससे जाता हूँ, जो जंप के ऑप्शन है ना वो रूट से जाता हूँ, देखता हूँ कुछ केव वगैरह कुछ है, कुछ लंबा छुपा कहीं आहे का बगावा लगा ना यार, मतलब छह क्या देखना पड़ेगा ना, नजर कैसा डालना रे यार, समझो ना क्या तुम्हें वर्ण लिमग्रेव, लिमग्रेव पढ़ता हूँ, लिमका की याद आती है मेन, पहले सर्दी से गांठ पट्टी हुई और लिमका पीने का मन कर रहा है मेरा। मन सबसे बड़ी चीज है गाइस, मैं पीऊंगा नहीं अगर, क्योंकि पहले सर्दी से गांठ पट्टी हुई है। ओ देख देखा, अच्छा अच्छा किया ना मैं ये रूट से आया, कितने सारे गोल्डन रूट मिस हुए थे मेरे, एक और एक गोल्डन रून, एक और एक गोल्डन रून, इसका प्रोनाउंसिएशन में क्या होगा, रून होगा, रून होगा, गोल्डन रू होगा या फिर लॉस्ट वॉरियर सोल, अननोन वॉरियर सोल होगा। ओह फक, अरे मर गया, ओ बच गया, उफ कान पट्टी थी मेरी अभी गंदी वाली। फीनस ले ली, गोल्डन रून भी मिल गई, आई मीन गोल्डन रून भी मिल गया। तो ये मेरे तो अच्छा खासा गया यार, हमने जो ब्रिज के साइड का एरिया भी एक्सप्लोर कर लिया, हमने कैटाकॉम्स के जो हमको डिस्कवर किया था हमने डेथ रूट कैटाकॉम्स, डेथ टच्ड कैटाकॉम्स, उसके आसपास का एरिया भी का हमने डिस्कवर कर लिया है, और एक नई केव भी मिली हमको। तो अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टॉर्म हिल कासल का जो बचा कुचा एरिया है वो एक्सप्लोर करेंगे। और आपको अब तक वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।